जा रही हो? उधर मत जाओ दुर्गा, रुक जाओ दुर्गा। बेशर्म, तुम इन लुटेरों के सरदार हो। निहत्ते और शांत लोगों पर जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं पूछती हूँ, इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम जंगली कुत्तों की तरह इन पर टूट पड़े हो? दुर्गा, दुर्गा जी क्या कर? छोड़ दो बापू, मासूम बच्चों के मुंह से रोटी छीनते हो और तो और बूढ़ों को अपनी ताकत का जोर दिखाते हो। क्या यही तुम्हारे और तुम्हारे बादशाह जंगूरा की बहादुरी है? दुर्गा, कायर, अगर तलवार उठाने का शौक था तो धर्म की रक्षा के लिए उठाते। बहादुरों की तलवार गरीबों की रक्षा करती है, उनका लहू नहीं बहाती। दुर्गा, तुम आदमी नहीं जानवर हो, जानवर। थू है तुम पर। सिपह सालार, इजाजत हो तो उस बदतमीज लड़की के हाथ काट दिए जाए। नहीं, अपने सिपाहियों को वापस जाने का हुक्म दो। वापस? आप जानते हैं बादशाह जंगूरा इस पे कितने नाराज होंगे? जो हुक्म दिया गया है उसकी तामील करो। डरते जंगूरा के सिपाही डरते, जंगूरा की रियाया डरती, सारी दुनिया जंगूरा से डरती है। देखा चंदा, तुम्हारे भगवान ने जिन्हें इंसान बनाया था, जंगूरा ने उन्हें गुलाम बना दिया। ये तो जुल्म की निशानी है जंगूरा। जुल्म? हमने कभी जुल्म नहीं किया। हम तो जिस मुल्क को फतेह करते हैं उसके लोगों से लगान तक वसूल नहीं करते। हाँ, सिर्फ उनके माल और दौलत पे कब्जा कर लेते हैं ताकि दूसरे डाकू उन्हें लूट ना ले। पेशकार, हमारा मिजाज बढ़म हो गया है, हमें तफरी चाहिए, तफरी। हाजिर किए जाएं। आज इतने कैदी? जंगूरा बहुत खुश हुआ। बेशकार, इनका क्या जुर्म है? हुजूर, इनके अलग अलग जुर्म है। ओ, इनके अलग अलग जुर्म है, मगर जंगूरा के राज में सबको एक ही सजा दी जाएगी। इन पर शिकारी कुत्ते छोड़ दो। ये कौन है?
जी मैं भूला हुजूर, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। हुजूर मैं दूध वाला हूँ, दूध वाला। आपके महल में मैं ही दूध देता हूँ हुजूर। पेशकार, इसका क्या जुर्म है? हुजूर, ये शाही महल की एक लड़की से इश्क करता है। इश्क? तुम इश्क करते हो? बेवकूफ, इश्क करना औरतों का काम है, मर्दों का नहीं। जी हुजूर, जी हुजूर। अच्छा तो ये बताओ, तुम इश्क क्यों करते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं करता हुजूर, मैं इश्क नहीं करता हुजूर। हुजूर वो बहुत खूबसूरत है हुजूर, जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरा दिल पटपट 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 करता है हुजूर। तो खूबसूरती बहुत पसंद है तुम्हें? जी। हुस्न के पुजारी, हम तुम्हें सजा नहीं देंगे। हाँ? सिपाही, इन्हें हसीन खाने पहुंचा दो। उठ। अरे ये हसीन खाना नहीं है। अरे अरे भैया, ये हसीन खाना नहीं है। यहाँ मोहब्बत करना भी जुल्म है, गुनाह है। अजीब मुसीबत है। मार्टन, हमने तुम्हें और भानु प्रताप को फौज के लिए रसद जमा करने का हुक्म दिया था, उसकी तामील हुई? जी, जंगूरा के इकबाल से मार्टन ने नंदीपुर के लोगों से 200 बोरी अनाज, 400 भेड़े और 5 मन चांदी जब्त की। शाबाश मार्टन, तुम बहुत अकलमंद हो गए। भानु प्रताप अभी तक नहीं आया? आओ भानु प्रताप, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बोलो, तुम क्या क्या लेकर आए हो? क्या बात है? मैं कुछ नहीं ला सका। कुछ नहीं ला सका? सुपे सालार भानु प्रताप कुछ नहीं ला सका? कहां गई वो तुम्हारी बहादुरी, इस पर हमें नाज था। जंगूरा जुल्म को बहादुरी नहीं कहते। औरतों और बच्चों के मुंह से रोटी छीन लेना ताकत का नाजायज इस्तेमाल है। शाबाश भानु, तुमने आज वो बात कह दी जो मुद्दत से मेरे दिल में थी। चुप रहो, जंगूरा जब हुक्म देता है तो किसी का इनकार नहीं सुनता, ये तुम जानते हो। और जंगूरा भी ये जानता है कि अगर भानु प्रताप को मौत से भी टक्कर लेने का हुक्म दिया गया तो वो कभी पीछे नहीं हटा। मुझे किसी बड़ी से बड़ी फौज का मुकाबला करने के लिए कहो, मुझे कोई मजबूत से मजबूत किला तोड़ने के लिए कहो, लेकिन मुझे निहत्ती और गरीब रियाया पर तलवार उठाने के लिए मत कहो जंगूरा, ये मैं नहीं कर सकूंगा। तुम कर सकोगे और जरूर कर सकोगे, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम जिन लोगों की वकालत कर रहे हो, जंगूरा का कहर उन गवारों को तुम्हारे समेत मिलिया मेट कर सकता है। ये तुम्हारा वहम है जंगूरा, आज तक दुनिया का कोई जालिम इंसानियत को मलिया मेट नहीं कर सका। और यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो बादशाह अपनी रियाया को मिटाने की कोशिश करता है वो आखिर में खुद मिट जाता है। हम उपदेश सुनने के आदि नहीं है, पुराना साथी होने के सबके हम तुम्हें एक मौका और अता फरमाते हैं। हम आज ही भीमनगर के चंद बागियों को सजा देने जा रहे हैं। हमारी वापसी से पहले
अगर हमारे हुक्म की तामील न हुई, याद रखना ना तुम रहोगे ना तुम्हारे गांव वाले रहेंगे। कहाँ लाकर पटका मुझे, पानी भी नहीं मिलता। अरे जो रहम तेरे दिल में है इंसान के दिल में भी नहीं। मैं पीऊं? ओह मुझे पानी पिला रहा है। तो तू भी दोस्त, तू और मैं बड़े दोस्त बनेंगे। मैं बंदर हूं शहर का, तू बन मानुस जंगली, आज पता ये चल गया तू असली है मैं नकली। तू है मेरा चचा, कितना अच्छा है ये मेरा चचा, वाह वाह। तू है मेरा चचा, मैं भतीजा तेरा, ना मैं तुझसे जुदा ना तू मुझसे जुदा। वाह रे मेरे अच्छे चचे, वाह वाह। मेरे बाप का बाप था भाई तेरा, ना मैं तुझसे जुदा ना तू मुझसे जुदा। देखो तुम कान भी एक जैसे। तू है मेरा चचा, मैं भतीजा तेरा, ना मैं तुझसे जुदा ना तू मुझसे जुदा। एक दादा की संतान है हम, एक दादा की संतान है हम, रिश्ते में भाई जान है हम। कम वक्त जमाना बदल गया, तू मुझको मैं तुझको भूल गया, ना मैं तुझसे जुदा ना तू मुझसे जुदा। अरे ना की एक जैसे, वाह। तू है मेरा चचा, मैं भतीजा तेरा, ना मैं तुझसे जुदा ना तू मुझसे जुदा। आ प्यार से लग जा मेरे गले, जलती है अगर दुनिया तो जले, आंखों से दुई का पर्दा हटा, मैं हूँ तेरा सगा तू है मेरा सगा, ना मैं तुझसे जुदा ना तू मुझसे जुदा। अरे बस बाकी दिल की कसर है। तू है मेरा चचा, मैं भतीजा तेरा, ना मैं तुझसे जुदा ना तू मुझसे जुदा। चार पांच डबरू
शेर का बच्चा है मेरा डमरू, शेर का बच्चा है। है कोई जोड़, है कोई माई का लाल जो डमरू के मुकाबले में है? है कोई? है कोई? अरे ये मंगल का डमरू है, सुनते हो? ये मंगल का डमरू है, अरे हाथी से लड़ जाएगा, हाथी से। आए आ चल आ खराती, अरे फिर जाओ। कितने का है? 3 रुपए का। बाप रे। क्या दाम है इसके काका? 3 रुपए। 3 रुपए? हाँ। चपत भूल गए? उस दिन की चपत नहीं तो मुझे इंसान बना दिया है। ये धोखा यहाँ नहीं चलेगा, हम इंसानों को अच्छी तरह पहचानते हैं। मुझ पर एतबार करो, मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूँ। क्यों ये अचानक हम लोगों पर इतनी दया कैसे होगी? तुम्हारी उस दिन की बातों ने मेरी आंखों से पर्दा हटा दिया है। उस दिन जब तुमने मुझे डांटा तो मुझे यूं लगा कि जैसे मुझे राह दिखाने के लिए कोई देवी आकाश से उतर आई। एक ही चपत में देवियां दिखाई देने लग गई, एक और पड़ जाए तो शायद देवता भी दिखाई देंगे। तुम मेरी हर बात का मतलब गलत समझ रही। कोई कोई मर्द होता तो। आना बे। क्या बात है दुर्गा? ये बेचारे औरतों से शर्माते हैं, किसी मर्द से बात करना चाहते हैं। लेकिन बात क्या है? इसी बेशर्म से पूछो ना, उस दिन पिट कर गया था और आज फिर वापस आ गया। जाने को कहती हो तो बातें बनाता है, अब तुम ही निपटो इसे। जब जाने को कहती है तो जाता क्यों नहीं यहाँ से? है वो मुझे गलत समझती है, मेरी बात तो सुनो भाई। अरे बात बात सुनने की क्या है, वो कहती है कि जाओ तो खत्म हो गया, जाओ। लेकिन मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। मैं जंगूरा को छोड़ के आया हूँ, वो तुम लोगों को मिटा देना चाहता है। मर्द हो तो मर्द की जुबान पर एतबार करो, मैं दुश्मन नहीं दोस्त बन के आया हूँ। नीम के पत्ते लाने के लिए तो कहो बेटी। मैं ले आता हूं वैद्य जी। पर बेटी ये सब हुआ कैसे?
कैसे क्या बापू, मैंने तो सोचा था आज मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन ये बिजली की तरह बीच में आ गए और मेरी जगह खुद ही जख्मी हो गए। बापू ये ठीक हो जाएंगे ना? मंगल। हाँ माँ। क्या है रे? वो रुलदू के सांड ने एक आदमी को जख्मी कर दिया है माँ, उसके लिए नींद तोड़ने जा रहा हूँ। मेरी राह मत देखना माँ, मुझे देर हो जाएगी। दूध पी लो बेटा, उठो। दूसरे के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाली है, भगवती तुम्हें सदा सुखी रखे बेटा। उसे बाहर निकालो, उसे बाहर निकालो, वो हमारा दुश्मन है, वो यहाँ नहीं रह सकता। इतना शोर क्यों मचा रहे हो भाई, क्या हुआ? वाह चौधरी, दुश्मन के आदमी को घर में छुपा रखा है और हमसे पूछते हो क्या हुआ? उसे बाहर निकाल दो, हम उसे गांव में नहीं रहने देंगे। नहीं, वो मेरा मेहमान है, मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। चौधरी तुम भूल गए कि यही हमारे गांव को लूटने वाला है और तुम इसे मेहमान बनाओगे? निकालो उसे बाहर, निकालो। नहीं, मैं उनको समझाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, उठो नहीं, लेट जाओ, दुश्मन को बाहर निकाल दो। हाँ हाँ निकालो बाहर। मैंने एक बार कह दिया कि मैं उसे नहीं निकाल सकता। चौधरी ये तुम्हारे घर का मामला नहीं, वो सारे गांव का शत्रु है, इसका फैसला तुम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। या उसे बाहर निकाल दो, नहीं तो हम पंचायत बिठाएंगे। ठीक है, पंचायत में इसका फैसला हो जाए, हमें मंजूर है। तो ठीक है, सवेरे फैसला हो जाए। आओ नहीं चाहिए। जी मुझे एक बार बाहर जाने दो। नहीं नहीं, मैं उन लोगों को समझाऊंगा। वो लोग चले गए हैं बेटा, तुम चिंता मत करो। कौन लोग, क्या बात है? कुछ नहीं मंगल, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। वैजी क्या हाल है अब इसका? अब कोई चिंता की बात नहीं है चौधरी, बस नीम के पत्ते आ गए, उन्हें पीस कर लेप लगा दो और इसे आराम करने दो, सवेरे तक सब ठीक हो जाएगा। बेशरम, तुम इन लुटेरों के सरदार हो? मुझ पर एतबार करो, मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूँ। ये अचानक हम लोगों पर इतनी दया कांसे आ गई? ये एक आदमी की जिंदगी या किसी के घर का मामला नहीं है, ये सारे गांव की जिंदगी का सवाल है। आप लोग ये जानकर भी कि वो दुश्मन का आदमी है, उसे गांव में ठहराने को तैयार हैं? ना बाबा ना, ऊंस की झोपड़ी में जलता हुआ अंगार कौन रखे, जाने कब आग लगा दे, क्यों सुखू? हाँ जी, आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जा सकती। अगर भेड़िया बकरी की खाल पहनकर आ जाए तो क्या हम उसे अपने बाड़े में बांध लेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। इंसान और भेड़िए में बहुत फर्क होता है, भेड़िया अपनी खसलत कभी नहीं बदल सकता, लेकिन इंसान के सीने में इंसानियत किसी वक्त भी जाग सकती, हमें उसकी बात पर भरोसा करना चाहिए। दुश्मन का भरोसा करना कहते हो बाजी? दुश्मन, याद रखो भगवान ने सिर्फ इंसान पैदा किए, उन्हें दोस्त और दुश्मन हम बनाते हैं। इंसान और इंसान के दरमियान नफरत की ये बाढ़ हमने उगाई है। वैद्य जी इन व्याख्यान में क्या धरा है, कुछ गांव की भी चिंता करो। वैद्य जी को काहे की चिंता है भाई, न घर न घाट न बेटा न जोरू, इन्हें चोट पहुंचे तो दुश्मन दिखाई दे ना। हंसी में वैद्य जी की बात मत उड़ाओ, आज एक नौजवान जंगूरा की ताकत को ठुकरा कर हमारे दरवाजे पर आया, क्या हम उस पर अपने दरवाजे बंद कर दें? इसका मतलब ये होगा
कि कोई आदमी बुराई को छोड़कर अच्छाई की तरफ आने की कभी कोशिश नहीं करेगा। क्या एक अच्छे आदमी से हमें यही सुलूक करना चाहिए? ऐसा ही अच्छा आदमी है तो उसे 10-20 रुपए देके अलग करो ना। ये 10-20 रुपए देने वाला साहूकार कौन है रे? तुम लोग अपनी शर्म कहीं बेच आए हो क्या? भूल गए कि उस आदमी ने अपनी जान पे खेल के दुर्गा को बचाया? हाँ? अरे 10-20 रुपए तो क्या 10-20 जन्म में भी तुम उसका एहसान नहीं चुका सकते। वो आदमी यहीं रहेगा। किसी को कुछ कहना है? मंगल, तुम सांप को दूध पिलाना चाहते हो? उस दिल की बात मेरे सामने मत कर माधव। बात से नहीं, अपनी ताकत से हमें मनाना चाहते हो मंगल? सच्ची बात जिस तरह तुम्हारी खोपड़ी में उतर जाए सो ठीक है। नहीं, मेरे लिए आप लोगों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते, ठीक है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर एक आदमी भी मेरा यहां रहना पसंद नहीं करेगा तो मैं यहां नहीं रहूं। भगवान की दी हुई धरती बहुत लंबी चौड़ी है और मैं इन बाजुओं की मदद से कहीं भी जाकर अपने लिए धरती के सीने से अनाज पैदा कर सकता हूं। लेकिन मेरी आत्मा यह गवारा नहीं करती कि मेरी बातों से भड़क कर रंगूरा आप लोगों पर बिजली की तरह टूट पड़े और मैं दूर खड़ा तमाशा देखता रहूं। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम यहाँ आकर अकेले जंगूरा के सिपाहियों से मुकाबला करोगे? तुम उसके गुस्से को भड़काकर हमें उसकी तलवारों के सामने डाल दोगे और कुछ नहीं करोगे? नहीं, मैं आपकी तलवारों में वो काट भर दूंगा कि दुश्मन के तलवारों के मुंह मुड़ जाए। आपकी ताकत और मेरा तजुर्बा, ये दोनों मिलकर दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। आपके हाथों में तलवार उठाने की ताकत है, मैं आपको तलवार चलाना सिखा सकता हूँ। आपके इरादे चट्टानों की तरह मजबूत है, मैं चट्टानों से गांव के गिर्द किला बना सकता। इंसानियत के जिस झंडे तले मातृभूमि की आन पर मर मिटने वाले ऐसे शेरों जैसे सपूत मौजूद हो, मैं उस झंडे को सितारों से ऊंचा उठा सकता हूं। जीते रहो भानु। आज से भानु हमारा भाई है, बोलो ठीक है? जिपू, इधर आ, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ। सुन, एक काम करेगा है? चमेली ने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए खाना ले आएगी, वो अभी तक आए नहीं। सुन जिपू, जब वो आए तो तू मुझे जगा देना है, मैं जरा सोता हूं। जगाएगा ना? बात उतरी खोपड़ी में है, जा। हुशियार रहना। हाँ, मैं सो रहा हूं। क्या है? ओ हाँ, आ जा। चमेली, तुम कहाँ थी? भूख के मारे मेरी जान जा रही है। खाना कहाँ है? खाना नहीं लाई, मगर उससे भी एक अच्छी चीज लाई। क्या? चाबी कहाँ से मिली? बाद में बताऊंगी, तुम भी निकलो। चल चल। अरे अरे, मैं अपने दोस्त को साथ ले लूँ। हाँ? नहीं बाबा। क्यों? क्यों क्यों? बाद में बताऊंगी। अच्छा, दोस्त फिर मिलेंगे। दान बची। अच्छा, तुम जल्दी से कपड़े बदलो और यहाँ से भाग जाओ। अच्छा, हाँ? क्यों?
अभी उन लोगों को पता चल जाएगा। भाई खाली पेट भागा नहीं जाता, कुछ खाना खिला और फिर देखो कितनी जोर से भागता हूँ। अच्छा अच्छा खाना खिलाती हूँ, मगर तुम तो कपड़े बदलो। अरे अभी बदलता हूँ कपड़े। अरे खाना, ओ खाना, चमेली, ओ चमेली, आज तुम कितनी खूबसूरत दिख रही हो। अच्छा मैं आज ही तुम्हें खूबसूरत दिखा दे रही? नहीं नहीं नहीं, बात यह है कि मैं इतने दिनों तक वो बंदर की शक्ल देख रहा था ना। अरे तुम खफा हो गई? अरे तुम तो मेरी कबूतरी हो, कबूतरी। अरे आहिस्ता बोलो। क्यों कोई सुनेगा तो? अरे क्या सुनेगा, मैं क्या किसी का कैदी हूँ? चमेले, चमेले, वो तो पेश कर आ गया। अरे मुझे छुपा दे, कहीं छुपा दे, जल्दी। चमेले, ए चमेले, चमेले, दरवाजा खोलो। कौन है? रात के वक्त अकेली लड़की का दरवाजा खटखटाते शर्म नहीं आती? बेशरम। ओह पेशकश शायद, माफ कीजिए, मैं समझी कोई शरारत कर रहा था। मैं शरारत करता हूँ? ये बताओ कि तुम्हारे कमरे में अभी कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? मैं बोल रही थी। नहीं, मैंने किसी मर्द की आवाज सुनी थी। वो मेरी माँ की आवाज थी। पेशकर साहब, बुढ़िया बहुत बीमार है, जुकाम हो गया है जी। बेटा बाहर कौन आया है? बेटा पेशकर साहब, भोला कैद से भाग गया। भाग गया? हाँ। कहाँ? पता नहीं, वो कमरा खाली है। तो चमेली अब बता, वो भोला इसी कमरे में छुपा हुआ है? नहीं नहीं, मेरे कमरे में कोई नहीं। खामोश, तुम लोग अंदर की तरफ चलो। पेशकर साहब क्या करते हो? अच्छा देखते क्या हो। अरे अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? बेटा तू कहाँ है? हो पेशकार साहब, ये बुढ़िया तू बाहर निकल जा, हमें कमरे की तलाश लेनी है। अरे अरे तुम पर दया करो पेशकार साहब, हम लोग गरीब हैं। मैं कहता हूँ तुम दोनों बाहर निकल जाओ, नहीं तो चलो माँ। चलो बेटा चलो। अब ये बच्चू कहाँ निकल जाएगा, एक भी कोना बाकी न रह जाए। अरे वो देखो, क्या क्या भोला वो जा रहा। मेरे दस हैं शीश, मेरे बस में धरती और पाताल है। चहो धाम मेरा ही नाम, मेरी टक्कर ले किसकी मजाल। धुम धर धुम धुम धर धुम धुम धर धुम 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 धर धुम धुम धर धुम धुम धर धुम 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 धर धुम धुम धर धुम धुम धर धुम 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 धर धुम धुम धर धुम धुम धर धुम धुम। खबर ये दूत लाया है समंदर पार से, बंदर कोई लंका में आया है। बंदर
बंदर, अरे वो क्या करेगा। अजब बंदर है वो दुम जिसकी जादू की पटारी है, उजाड़ी देखते ही देखते बगिया हमारी है। वो बंदर है कहाँ, वो बंदर है कहाँ जिसने उजाड़ा मेरी बगिया को, जरा लाना उसे जिसने लताड़ा मेरी सेना को। धुम धड़ा धुम धुम धड़ा धुम धुम धड़ा धुम 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 धड़ा धुम धुम धड़ा धुम धुम धड़ा धुम 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 धड़ा धुम धुम धड़ा धुम धुम धड़ा धुम 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 धड़ा धुम धुम धड़ा धुम धुम धड़ा धुम धुम। हाँ कहाँ है वो, कहाँ है वो, जरा देखूं तो वो बंदर, उसे फौरन करो हाजर। जो मेरा छू जाए इकबाल, ना गलने दूंगा उसकी दाल, ना चलने दूंगा उसकी चाल। मैं श्री राम का दूत हूँ, मुझे कहते हैं हनुमान। ओ रावण मैं कर दूंगा तेरी लंका को शमशान। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जान बची लाखों पाए, घर के मुद्दू घर को आए। सिपाहियों मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो सिपाहियों। अरे दीपू, जंगूरा के कैसे तू भी भाग आया है? यार ऐसा मालूम होता है कि हमारी तकदीर में लिखा है कि हम साथ रहे। चलो हमेशा के लिए हम लोग दोनों साथ रहेंगे। चलो शाबाश। जिंदाबाद जंगोरा। इस इलाके के बागी गिरफ्तार कर लिए गए। हो गए गिरफ्तार? कहां है वो? मार्टन, तुम बगावत करने वालों की सजा जानते हो? जानता हूं जंगोरा। इन्हें उस वक्त तक कोड़े लगाए जाएं जब तक ये मर न जाएं। तो फिर हमारा मुंह क्या देखते हो? इतना जुल्म मत करो, उन पर रहम करो जंगूरा। रहम? बागियों पर रहम करना बादशाह का असूल नहीं। जो बादशाह इंसानों के खून पे खड़ी की जाती है वो कभी कायम नहीं रह सकती जंगूरा। चंदा, हम ये पसंद नहीं करते कि औरतें शाही मामलात में दखल दें। जंगूरा, भगवान के लिए जुल्म बंद कर दो। जंगूरा का रास्ता रोकने की हिम्मत कब से हुई तुम्हें? हट जाओ हमारे सामने से। Thank you.
अभी अभी खबर आई है कि भानु प्रताप ने उस गांव पर हमला नहीं किया। क्या भानु प्रताप ने हमारे हुक्म की तामील नहीं की? इतना ही नहीं, बल्कि वहाँ रहने के लिए चला गया है और जंगूरा के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। क्या कहा, बगावत? सुपे सालार भानु प्रताप बगावत करना चाहता है? जुल्म सहेना, जुल्म करे ना, यही हमारा नारा है। रहे चैन से सभी देश, हमें अपना देश प्यारा है। जुल्म सहेना, जुल्म करे ना, यही हमारा नारा है। रहे चैन से सभी देश, हमें अपना देश प्यारा है। जुल्म करे ना, जुल्म करे ना। हम न किसी की धरती मांगे और न माल खजाना, अपनी रक्षा आप करें। सीखें तलवार चलाना, सीखें तलवार चलाना, सीखें तलवार चलाना, सीखें तलवार चलाना। झुकना और न कभी झुकाना, सच्चा धर्म हमारा है। रहे चैन से सभी देश, हमें अपना देश प्यारा है। सच्चा है बस वही सिपाही, जो ना करे तबाही। जीवन के संग्राम में सब है एक बराबर राही, एक बराबर राही। अपने अपने सुख को भोगे, ये कर्तव्य हमारा है। रहे चैन से सभी देश, हमें अपना देश प्यारा है। जुल्म सहे ना, जुल्म करे ना। हो माता की और चमके मांग सुहागन की, बने रहे ये नन्हे बालक सदा ही शोभा आंगन की। भला ही चाहे, भला ही मांगे, ये कर्तव्य हमारा है। रहे चैन से सभी देश, हमें अपना देश प्यारा है। जुल्म करे ना, जुल्म करे ना। दीपो जाओ, ये मिठाई अच्छी तरह से बेचो और पैसे लेते आना है। ये एक जिलेबी दो पैसे, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, ये मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, मजेदार मिठाई है, खाने से घी की मिठाई है। ये मिठाई वाला है भाई, साहब अच्छा मिठाई बेचता है, ये साल में एक मरतबा आता है ये मिठाई वाला। लो भाई, लो भाई, लो भाई, और कोई है? शाबाश शाबाश, अच्छी मिठाई हमें। अरे वारे मेरा जीपो, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो अपना याद नहीं यार मिठाई खरीदा है। अबे ओ पैसे कहाँ है? ये बात है, चलो निकालो, निकालो। शाबाश शाबाश, अरे वाह जीपो, तू तो इतना अच्छा आदमी है कि बस मजा आ जाता है। ले चल इसको बेच दे, चल। अरे अरे नहीं बोलता है? अबे ओह हुजूर, आप खाना खाइए और मैं जरा ये बेच कराता हूँ। जीपो साहब जरा दुकान का ख्याल रखना, खा चाय भाई।
दो पैसे में, दो पैसे में जादू भरी मिठाई प्यारे, जादू भरी मिठाई प्यारे। अरे पकड़ो पकड़ो। देखिए साहब, ये लड़के ने लड्डू चोरी किया और आप भानु प्रताप नमस्ते। अरे भोला तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या बताऊँ, जिंगोरा ने मुझे भी कैद कर दिया था। फिर क्या, किस्मत अच्छी थी इसलिए वहाँ से भाग निकला। तब कहाँ ठिकाना है? पेट भरने के लिए गांव-गांव फिरा करता हूँ। चलो अच्छा है, ठीक ठिकाने आ गए। अब नहीं भट्टोरे, ये तुम्हारा बंदर? जी नहीं, ये मेरे साथ आया है। अरे मालिक को सलाम कर। मंगल, ओ मंगल। क्या रहा है माँ? तेरा सर। ये बता ये क्या है? ये तू मेरे कपड़े क्यों बटोरती फिरती है माँ? मैं खुद धो लूंगा, तू का क्यों झंझट करती है? रहने दे, पहले ये बता ये किसके लिए लाया है? ये वो डमरू है ना, अपना डमरू। मैं वो डमरू के लिए लाया था ये। अच्छा, डमरू के लिए लाया है? हाँ, मैं डमरू के। जरा इधर तो आ, उठ उठ। अरे ये कहाँ ले जा रही है माँ? बताती हूँ, ये झांझन ये भी डमरू के लिए ही लाया था ना, और ये बूंदे भी डमरू पहनेगा, ये टीका, ये कड़े, ये अंगूठी सब डमरू के लिए है। पर तू मेरा कान तो छोड़। मैं पूछती हूँ बुद्धू, जब तुझ में उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं तो ये सारा जंजाल किसके लिए खरीद खरीद कर लाता है? किस लड़की से माँ? दुर्गा से, और किस से? अरे वो दुर्गा से बात मुझे थोड़ी ही करनी है, वो तो तुझी को करनी है माँ। मुझे करनी है? अरे वो तो जिस दिन दुर्गा पैदा हुई थी उसी दिन उसकी माँ से मैंने कह दिया था कि लड़की मेरी हो गई है, और तू आज मुझे बात करने को कहता है? अच्छी बात है, मैं आज ही जाकर चौधरी से साफ साफ कह दूंगी कि अरे बाबा, इस लड़के ने मेरा नाक में दम कर रखा है, अब किसी तरह इनकी बात पक्की कर दो तो मेरा पिंड छूटे।
बनाकर आने जाने वालों का रास्ता क्यों रोक लिया है? इसलिए कि यहाँ से गुजरने वाला हमसे पूछे बगैर आगे ना जा सके। ओह, तो अब हम अपनी राह पर भी नहीं चल सकते। देखो जी, जब से तुम आए हो गाँव वाली लड़कियों का जीना मुश्किल हो गया है। अच्छा जी, क्या बिगाड़ा है मैंने गाँव वाली लड़कियों का? तुमने उनके मन का चैन छीना है, उनकी रातों की नींद चुराई है, और अब ये देखो एक बेचारी लड़की को अपनी राह पर चलने की आजादी भी नहीं देते। आजादी का मतलब ये तो नहीं कि वो लड़की अपनी सुंदरता के मान में इस तरह चले कि उसके पांव तले किसी का दिल कुचला जाए। ये किस लड़की की बात कर रहे हो जी? है इसी गांव की एक लड़की। अच्छा, कौन है वो मुझे बता, मैं उससे तुम्हारी सिफारिश कर दूंगी। उससे कोई बात नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि जो पहली बार उससे मिलता है उसे वो इतनी कस के चपत लगाती है कि बस नानी याद आ जाती है। फिर तो बड़ी मुश्किल है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि थोड़े ही दिनों के बाद वो लड़के के घर के आसपास चक्कर लगाने लगती है और गाने गाना शुरू कर देती है। हाय राम, तुम छुप छुप कर लड़कियों का गाने सुनते? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म तो आती है, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें सामने बिठा तुम्हें सामने बिठा के गाना सुनूंगा। अच्छा, तुम मेरा गाना सुनोगे? पहले मुंह धो के आओ। तो क्या तुम गाना नहीं सुनाओगे? नहीं सुनाओगे? नहीं सुनाओगे? नहीं नहीं सुनाओगे? नहीं 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 ये रिश्ता हो जाए तो मुझसे ज्यादा खुशी और किसी होगी, लेकिन हाँ कहने से पहले दुर्गा से एक बात पूछ लेना चाहिए। वाह, तुम भी कैसी बातें करते हो चौधरी। मैं भला दुर्गा के मन को नहीं जानती? बचपन से उसका और मंगल का साथ रहा है, एक साथ हंसते खेलते बड़े हुए हैं, फिर वो भला इनकार क्यों करेगी? बस अब तो तुम्हारे हाँ कहने की देर है। मेरी हाँ की क्या है, मेरे लिए तुमसे अच्छा और कौन? तो यूँ कहो ना, बात पक्की हो गई चौधरी, आते फागुन में लगन हो जाए। अच्छा, जय राम जी। जय राम जी। मंगल, माँ आ गई। ए मंगल, आ अपनी माँ के पैर दबा, तेरा काम करके आई हूँ। क्या माँ? दुर्गा से तेरी शादी पक्की करके आई हूँ, और क्या। हो! गोरी कर ले तू आज सिंगार, रसिया द्वार खड़े। गोरी कर ले तू आज सिंगार, रसिया द्वार खड़े। गोरी कर ले तू, हो गोरी कर ले तू आज सिंगार, रसिया द्वार खड़े। गोरी कर ले तू आज सिंगार, रसिया द्वार खड़े। दुर्गा, आज मंगल की माँ आई थी। अच्छा, क्या कहती थी? पूछती थी मंगल कैसा लड़का है। मैंने कह दिया बहुत अच्छा लड़का है। क्यों, ठीक कहा ना?
ठीक ही तो कहा बापू, सभी जानते वो बड़ा अच्छा है। सच्ची बोलूं, असल में वो तेरी बात कर रही थी। मेरी क्या बात बापू? और क्या बात करती, मंगल से तेरे ब्याह की बात कर रही थी। दुर्गा, तो तुझे मंगल पसंद है ना बेटी? हाँ बापू। बस तूने मेरा बोझ हल्का कर दिया। इन आंखों से यही देखने के लिए तो जी रहा था कि सुहाग का सिंदूर इस चांद से मुखड़े पर कैसा। क्या बात है दुर्गा? दुर्गा तू खुलकर बता, तेरे मन में क्या? कुछ नहीं बापू। कुछ तो जरूर है, बोल तो सही बेटी। मैं मंगल के साथ खेलती रही, उसके साथ बड़ी हुई, पर मैंने ये नहीं सोचा था बापू, मैंने ये नहीं सोचा था। तू जानती है कि मैं तेरे आंसू नहीं देख सकता, मैं वही करूंगा जिसमें तेरी खुशी होगी। मुझे सच सच बता, तेरे मन में कोई और है क्या? बताती क्यों नहीं पकड़ी? कौन है वो भानु है क्या? उठ, इस पर रोने की कौन सी बात? रो मत, मैं उसी के साथ तेरा लग्न कर दूंगा। मेरी हथौड़ी दे दो। क्यों, मुझे काम नहीं करने दोगी? तो मुझे गांव से निकालने का इरादा है? अगर ऐसे ही मुझसे तंग आ गई हो तो साफ साफ कहो ना, मैं खुद ही चला जाऊंगा। कैसे जाओगे, अब गांव वाले तुम्हें नहीं जाने देंगे। क्यों, मैं क्या किसी का कैदी हूँ? आज ही तो तुम्हें कैद का हुक्म दिया गया है। कितने दिन की कैद? उम्र भर की। उम्र भर की? यह हुक्म क्या तुम्हारे बापू ने दिया है? नहीं, हुक्म तो मैंने दिया था, बापू ने उसे मंजूर कर लिया है। तो यूं कहो कि खुशखबरी लाई हो। दुर्गा, अगर मैं कोई राजा होता तो इस वक्त तुम्हें बहुत सा इनाम देता। तुम मेरे मन के राजा हो भानु, ला मेरा इनाम। इनाम चाहिए? एक साथ
साथ आजा चलें एक साथ लेके हाथ में हाथ बार कहीं छुपता है प्यार देखो प्यार हो गया देखो प्यार हो गया बात की तो जान से मार दूंगा मुंह क्या देखते हो काम करो अपना फिर भी कसम मैं झूठ नहीं बोलता मैं झूठ नहीं बोलता मंगल चल मेरे साथ कोई नहीं जाएगा पहले कि मैं तुम्हारी गाली का जवाब दूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसकी वजह क्या है जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है और मुझसे वजह पूछता है मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा मैं समझाता हूं तुझे मतलब मैं समझाता हूं तुझे मंगल ये क्या पागलपन है मुझे बताओ मुझे समझाओ हट जाओ दुर्गा मुझे दोस्त कहता और मेरी पीठ में छुरा भोंकना चाहता है बता इस लड़की पे क्या हक है तेरा उसको डोरे डालना चाहता है मैं तेरा खून पी जाऊंगा मंगल अगर भानु से तुम्हारी यही शिकायत है और इसीलिए तुम उसका खून करना चाहते हो तो मेरा खून करो मंगल मेरा खून करो दुर्गा हाँ भानु को दोष क्यों देते हो प्यार मैंने किया है अगर प्यार की कोई सजा है तो मुझे दो मंगल नहीं तुम भानु से अब मैं तुम्हारा गुस्सा समझ गया हूं मंगल लेकिन यकीन रखो कि जिससे मैंने दोस्त कहा है उसकी तमन्नाओं का खून मेरे हाथ से नहीं होगा ये तुम्हारा घर है तुम्हारा गांव है मैं तो यहाँ चार दिन का मेहमान हूँ मैं तुम्हारे और दुर्गा के बीच नहीं आऊंगा नहीं दुर्गा मंगल का तुम्हारा बचपन से साथ रहा है मैं ये साथ तोड़ना नहीं चाहता मुझे भूल जाना नहीं भानु नहीं भानु तुम मुझे इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकते भानु तुम मुझे इस तरह छोड़ कर नहीं जा सकते मुझे मत रोको दुर्गा समझ लेना कि मैं यहाँ कभी नहीं आया था मंगल मंगल भानु रूठ के जा रहा है उसे रोको मंगल सिर्फ तुम्हारे कहने से वो लौट सकता है
उसे वापस ला सकते हो मंगल। भानु के बगैर मेरा संसार सूना हो जाएगा। मैं भानु के बगैर जी नहीं सकती मंगल, मैं भानु के बगैर जी नहीं सकती। भानु, भानु, वापस चलो भानु। नहीं मंगल, ये गलत है। भानु, मैंने दुर्गा को देखा था लेकिन उसके मन को नहीं देखा था। मैं नहीं जानता था भानु के उसके मन में तुम्हारे लिए इतना प्यार है। मैंने अपराध किया है भानु, मुझे माफ कर। तुमने कोई अपराध नहीं किया है मंगल। मैंने क्या किया है वो मैं नहीं जानता भानु। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर तुम इस तरह यहां से चले गए तो दुर्गा का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मंगल, मैंने हमेशा उसकी खुशी चाही है भानु, और उसी की मैं तुमसे भीख मांगता हूं। मुझे दुर्गा की खुशी लौटा दो भैया। वापस चलो। तुम्हारे सामने मेरा सर झुक जाता है मंगल। दुर्गा, लोग तुम्हारे भानु आ गए। देख कर मैं किसी की खुशी ना जलूं,
देख कर मैं किसी की खुशी ना जलूं, राह इंसानियत की हमेशा चलूं, भूल जाऊं तो भूल जाऊं तो जग से उठा ले मुझे, तू उठा ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे, अपनी छाया में भगवान बिठा ले मुझे, मैं हूँ तेरा तू अपना बना ले मुझे। जब गांव के मुखिया होकर तुम भी बात से मुकर जाओगे तो गांव वालों का चलन कैसे ठीक रहेगा चौधरी? इंसान का इंसान से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन मैंने तो तुमसे उसी रोज कह दिया था बहन कि दुर्गा की खुशी मुझे सबसे पहले देखनी हो। सो ही तो तुमने नहीं देखी, जिसे वो बचपन से जानती है, जिसके साथ खेल कूद कर वो बड़ी हुई है, उसे ठुकरा कर कल के आए एक नए छोकरे से लड़की ब्याहोगे जिसका आता पता भी कुछ मालूम नहीं। मेरा मंगल जब ये सुनेगा चौधरी तो जानते हो उस पर क्या बीतेगी? वो बहुत खुश होगा माँ। मंगल तू? हाँ माँ। दुर्गा ने ठीक ही फैसला किया है माँ, सचमुच भानु ही उसके लायक है। मंगल तू ये क्या कह रहा है? अरे कहीं पगला तो नहीं हो गया? मैं सच कह रहा हूँ माँ, कहाँ भानु कहाँ मैं, उसने हमारे गांव को एक नया जीवन दिया है माँ, हमारी रगों में उसने एक नया खून भर दिया माँ, उसने हमारे झुके हुए सरों को ऊंचा उठा दिया। जब हम सब तो उसे इतना चाहते हैं तो दुर्गा ने उसे पसंद करके ठीक ही तो किया है माँ। बेटा तू जानता है तू क्या कह रहा है? मैं जानता हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ माँ कि भानु से शादी करके दुर्गा सदा सुखी रहे, अब मैं यही चाहता हूँ। चौधरी जी आप शादी की तैयारी कीजिए। मंगल तुम धन्य हो, तुम मनुष्य नहीं देवता हो मंगल, देवता। बहुत बड़ी फौज आ रही है भानु काका, वो हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं। संगूरा के सिपाही कहाँ हो? मैंने उन्हें नदी के उस पार देखा था, इसलिए तुम्हें खबर करने भागता हुआ है। मंगल गांव का बड़ा दरवाजा फौरन बंद करवा दो और आओ, सब लोग चौक में इकट्ठे हो जाओ। नहीं भानु, संगूरा की फौजें तुम्हारे ब्याह को नहीं रोक सकती, तुम लगन की रस्म पूरी करो, हम लोग उनसे जाकर निपट लेंगे। नहीं मंगल, तुम लोग दुश्मन से टक्कर लोगे और भानु शादी रचाएगा। लेकिन ये शुभ घड़ी बीत जाएगी भानु। शुभ घड़ी तब होगी जब भानु युद्ध से जीत कर आएगा। ये लो अपनी तलवार भानु, आज सारे गांव का मान तुम्हारे हाथ में है। आज धरती माँ हमसे अपना हक मांग रही है, माँ के दूध की कीमत हमें अपने खून से चुकानी होगी, इसलिए कसम खाओ कि जब तक हमारे शरीर में लहू की एक बूंद भी बाकी है
दुश्मन के कदम हमारी धरती पे नहीं पड़ेंगे। दुश्मन को अपने किले तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। यही जगह उनके गेट घेरा डालने के लिए अच्छी है। अपने आदमी को बोलो। मंगल, दुश्मन छोटे रास्ते से आ रहा है। अपने आदमी दाई तरफ हटा दो। हुआ दंगोरा कि उसकी बहादुर फौजें एक छोटे से गांव के मुट्ठी भर लोगों से शिकस्त खाकर लौट आईं। सारे शहर में चिरागा करने का हुक्म जारी कर दो। माठन, तुम शहर के बाजारों और गलियों में नाचो नाचो, ताकि दंगोरा के बहादुर जर्नैल पर लोग फूलों के हाथ चढ़ाएं। नाचो नाचो बेशर्मो नाचो। Thank you.
रे संग 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 पिया खेल के मैं रंग हाय 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 हुई बदनाम रे तेरे संग 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 पिया खेल के मैं रंग हाय 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 हुई बदनाम रे लगी दुनिया से डर गली गली घर घर देखो छेड़ी छेले के तेरा नाम रे हाय 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 हुई बदनाम रे हाय 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 हुई बदनाम रे तेरे संग 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 पिया खेल के मैं रंग हाय 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 हुई बदनाम रे लगे दुनिया से डर गली गली घर घर देखो छेड़े मुझे लेके तेरा नाम रे हाय 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 हुई बदनाम रे हाय 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 हुई बदनाम रे ये हमारे दुश्मन हैं, हमें मारने आए थे और तुम इन्हें अच्छा करते हो, क्या ये ठीक बात है? यहाँ कोई दुश्मन नहीं, सभी लाचार और जख्मी इंसान हैं। तुम्हें दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं दिखाई देता? नहीं, दुखी मनुष्य और दुखी मनुष्य में कोई फर्क नहीं होता भैया, दुख में सभी इंसान बराबर हो जाते हैं। अरे मारे, अरे मारे, अरे मारे, अरे मारे।
हूँ बाबा, मुझ पर एक मेहरबानी करोगे? कहो मेरे बच्चे। अपने बूढ़े माँ बाप का मैं एक ही बेटा हूँ, अब मेरे मरने की खबर सुनकर उनका दिल टूट जाएगा। मुझसे वायदा करो कि तुम उन्हें जाकर ढाढ़स दोगे। इसकी चिंता न करो बेटे, शांति रखो। नहीं बाबा, मुझसे वायदा करो तो मेरी जान आसानी से निकल सकती है। मैं वादा करता हूं। खामोश, एक भानो को गिरफ्तार नहीं कर सकते, फिर किस मुंह से अपने आप को बहादुर कहते हो? इस तरह यहां आने की बजाय डूबकर मर जाते तो अच्छा होता। हमने हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन भानु की ताकत हर रोज बढ़ती जा रही है। हम बहाने सुनना नहीं चाहते, सिर्फ भानु की गिरफ्तारी चाहते हैं। सिपाही नहीं जा सकते तो जासूस रवाना करो, बहादुरी से नहीं लड़ सकते तो मक्कारी से काम लो। जिस तरह भी हो उस गद्दार को यहाँ लेकर आओ। जिंदाबाद जंगूरा। क्या है? हुजूर के इकबाल से दुश्मन का एक जासूस शहर में घूमता हुआ पकड़ा गया है। वो भी अब जासूस भेजने लगे? पेश करो। कमजोर कौम का कमजोर जासूस, क्या इसी ताकत के भरोसे जंगूरा से मुकाबला करने आए? ताकत? जिस शरीर को मिट्टी के कीड़े खा जाएंगे उसी शरीर की ताकत को तुम ताकत समझते हो? ताकत मनुष्य की आत्मा में होती है, मगर वो तुम्हें नहीं दिखाई दे सकती। क्यों दिखाई नहीं दे सकती? क्योंकि जुल्म और लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, और अंधे सच्चाई को नहीं देख सकते। बुड्ढे गुस्ताख, मैं तेरी जबान काट लूंगा। देख ली सच्चाई की ताकत? एक शब्द सुनकर तुम्हारे वीरों की तलवारें म्यानों के बाहर निकल आईं, और तुम एक पत्ते की तरह कांपने लगे। ये गुस्सा ताकत की नहीं, तुम्हारी कमजोरी की निशानी है जंगूरा। तुम्हारी गुस्ताखी तुम्हारी मौत साबित होगी बूढ़े। मौत से मुझे डराते हो, जो जीवन की सांझ में बैठा खुद मौत का इंतजार कर रहा है? मौत से तुम डरो जंगूरा, कि वो बेखबरी में आकर तुम्हारा गला न दबा दे। जंगूरा को मारने की ताकत किस में है? गरीबों की आहों में, यतीमों के आंसुओं में, दुखी जनता के हाहाकार में। सिपाही चंदा को बुलाओ। हाँ बूढ़े, तो कुछ और बोलो बोलो बोलो। जंगूरा को तुम्हारी बकवास पसंद आई? आओ चंदा आओ, तुम भी हमें रोज इंसानियत और प्यार के उपदेश देती रहती हो। ये देखो ये बुड्ढा। ये तुम्हारा भी चचा निकला। तुम्हें मालूम है ये हमें आहों और आंसुओं से मारने आया। अगर जान प्यारी है तो हमें दुश्मनों की खबरें बताओ। बताओ तुम्हारे पास कितनी ताकत है? धरती के हृदय में जितनी क्षमा, इंसान के हृदय में जितना प्यार, और भगवान के हृदय में जितनी दया है, उतनी हमारी ताकत है। बकवास बंद करो, साफ बताओ तुम्हारे पास कितने सिपाही हैं? आकाश में जितने तारे हैं, सागर में जितनी लहरें हैं, उतने हमारे सिपाही हैं। बदतमीज, वक्त जाया ना करो। तुम्हारे किले का सबसे कमजोर मकाम कौन सा है? जिस किले की दीवारें इंसाफ की ईंटों से बनी हों, जिसकी रक्षा करने वाले भानु और मंगल जैसे वीर हों, उसका कोई स्थान कमजोर नहीं होता। भानु, वो गद्दार? गद्दार नहीं, वो इंसानियत का सिपाही है। देवता की कसम, एक दिन वो बुजदिल यहां जंजीरों में बंद आएगा। उसे बुजदिल कहते हो? जिसने अभी कल तुम्हारी फौजों को खुले मैदान में शिकस्त दी। सच तो यह है कि तुम उससे डरते हो। जंगूरा डरता है भानु से और उस आवारा जंगली मंगल से? मंगल का नाम लेना चाहो तो इज्जत से लो,
वो एक देवता। ओहो, देवता? एक दिन उस देवता के दर्शन भी कर लेंगे। वही तुम्हारे कल्याण का दिन होगा। शायद उसके पांव की धूल तुम जैसे हैवान को भी इंसान बना दे। तुम हमें हैवान कहते हो? नहीं, तुम्हें हैवान कहना हैवान की बेइज्जती है। तुम हैवान से भी गए गुजरे हो। गुस्ताख बदज़बान! मार्थन, तुमने इसकी मौत इतनी आसान क्यों बना दी? हम इसका गोश्त चिमटों से निचवा देते। अरे जालिमों, जुल्म की भी कोई हद होती है। जंगूरा, इस मासूम फरिश्ते का खून भी अगर तुम्हारे रूह के मैल को नहीं धो सकता तो समझ लो नरक के कीड़े भी तुम पर रहम नहीं खाएंगे। हे राम, la 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 तू है बहार मेरी आंखों का नूर मेरे दिल का सुरूर मेरी गोदी का तू है सिंगार ओ मेरी बगिया की तू है बहार तमाशे दिखाएगा। बच्चों, तुम्हें पता है आज बिंदु का जन्मदिन है ना? शाबाश शाबाश। बिंदु बड़ा होकर कहाँ जाएगा? स्कूल जाएगा तो फिर स्कूल देखो। राजा बेटा बड़ा होके जाएगा स्कूल, ओ राजा बेटा बड़ा होके जाएगा स्कूल, बेटा जाएगा स्कूल, करेगा पढ़ाई या लिखाई में ना भूल, हाँ लिखाई में ना भूल। ये बात रहे याद, बनेगा उस्ताद, वाह रे उस्ताद बेटा वाह वाह रे उस्ताद। बैठे
बैठे लड़कों पे रोब जमाएगा। जो शरीर उसे बैंत लगाएगा जी, बैंत लगाएगा जी, बैंत लगाएगा। फिर करेगा राजा शादी, खुश होंगी अम्मा दादी। दुल्हन होगी तेज मिजाज, करेगी इस पर पूरा राज। चूल्हा फुकवाएगी, रोटी भी पकवाएगी, बच्चा भी खिलवाएगी। हाँ हाँ, सब कुछ करवाएगी, समझे ना। मसाला पिसवाएगी, अरे ओ लाला, रगड़ मसाला दे रगड़ा दे रगड़ा। मोलिया था काहे बेटा शादी का ये झगड़ा। देखो देखो ओ देखो देखो, बजाए शहनाई बजाए शहनाई, हमारे ललना हमारे ललना। सुन, इस दुनिया में तो सब कुछ बनना, मगर यार ये जालिम जंगूरा कभी नहीं बनना। ओहो, ये क्या तूने कर दिया। नहीं रे, नहीं 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 नहीं, जंगूरा नहीं बनना, बस देख बाकी कुछ भी हो जाए। अरे शाबाश बेटा शाबाश, यार तूने तो कमाल कर दिया। वाह रे बेटा वाह वाह वाह, कितना अच्छा है जिप्पू। अरे अकलमंद जिप्पू है, तू बहुत अच्छा काम करता है यार। अरे वाह रे मेरा जिप्पू। अरे जिप्पू तू अकेला आया, क्या बात है, कोई खबर लाया है क्या? अच्छा अच्छा, तुम उस तरफ से आ जाओ। बताओ क्या बात है। अरे रे, कहाँ ले चला? अरे
यहाँ कैसे आ गया? अरे चमेली कितनी देर लगा दी तुमने। हाँ अरे तुमको देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई इसलिए मैं आया। अरे तुम यहाँ आ गए हो और वहाँ जंगुरा के जासूस तुम्हारे गांव में घूम रहे हैं। आ तो घूमने दो। जासूस? हाँ, उसने भानु प्रताप को पकड़ने के लिए तुम्हारे गांव में चारों तरफ जासूस फैला रखे हैं। हमारे गाँव में चारों तरफ? हाँ, कुछ खबर है? नहीं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं बुद्धू, जाके उनको खबर करो। जासूस हमारे गाँव में? अरे तुम लोग इस तरह यहाँ कैसे आए? मालिक जब मरना ही है तो फिर आपकी शरण में आके क्यों ना मरे। अब आप चाहे हमें मार डालें मगर हम उस जालिम जंगुरा के पास कभी नहीं जाएंगे। अरे मगर बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? ये पूछो क्या नहीं हुआ। हर रोज कत्ल, हर रोज डाके, हर रोज के नए जुल्म, उस पापी का साथ हम कब तक दें? आखिर हमें भी तो मर के भगवान को मुंह दिखाना है। आप तो जानते ही हैं बेचारे बैद जी ने उसका क्या बिगाड़ा था, पर उस राक्षस ने किस बेदर्दी से उन्हें मार डाला। मालिक उसे छोड़कर आपकी शरण में आए, अब आप हमें ठुकरा ना देना। नहीं नहीं मेरे भाई, इस धरती माँ की गोद में सबके लिए जगह है, लेकिन यहाँ निकम्मे बैठ के नहीं खा सकते, काम करना होगा। आप जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार, हम तो आपके सेवक हैं मालिक। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, उठो। मैं तुम्हें एक जरूरी खबर सुनाने आया हूँ। सुनो, जंगुरा के जासूस अपने गांव में घूम रहे हैं, क्या समझे? जरा होशियारी से रहना, समझे ना, और जरा गांव में भी खबर कर देना अपने अपने आदमी को। जंगुरा के डर से हमने 2 साल से देवता का उत्सव नहीं मनाया, लेकिन इस बार तो हमारी जीत हुई है और फिर हमारे घर पोता भी हुआ है। अगर अब की भी उत्सव न मनाया तो ये गांव वाले नहीं मानेंगे, हमें उत्सव मनाना ही होगा भानु। क्यों दुर्गा? हाँ बापू, हम देवता को नाराज नहीं कर सकते। लेकिन जंगुरा का डर अभी कहाँ खत्म हुआ भाई। मैं इस बात की सलाह नहीं देता कि गांव वाले किले से बाहर निकलकर पहाड़ी वाले मंदिर में उत्सव के लिए जाएं। अजी जंगुरा को हमने छठी का दूध याद करा दिया है, अब वो क्या करेगा? और करेगा भी तो हम जंगुरा का कोप सह सकते हैं, पर देवता नाराज हो जाए तो उनका कोप कौन सहेगा। बस चौधरी अब फैसला कर ही दो कि अब की पूनम को उत्सव मनाया जाए। मुझे मंजूर है, अगले शुक्रवार को पूनम है, बस उसी दिन उत्सव होगा। ए, यहाँ आओ, यहाँ आओ। कौन हो तुम, कौन हो तुम हैं? क्यों, क्या बात है? बात यह है कि मैं तुमको खबरदार करने आया हूँ। हाँ सुनो, हमारे गांव में दुश्मन के जासूस घूम रहे हैं। अच्छा? और सुनो, वो भी भेष बदल कर घूम रहे हैं। हैं? समझे दोस्त, अगर उनमें से एक भी मेरे हाथ में आ जाए तो जानते हो मैं क्या करूंगा? क्या करोगे? अरे मैं उसका गला दबाकर पिस्ता बना दूंगा। माफ करना, माफ करना, जरा जोश में आ गया था। जा सकते हैं आप, गलती हो गई, माफ करना, जाइए। अगर उनमें से बाकी कोई मेरे हाथ में आ जाए तो मैं, तो जब हाथ में आ जाए फिर देखा जाएगा, अभी नहीं। दे रहा है तू? कोई जासूस वासूस तो यहाँ से नहीं गुजरा है? क्या कहा? ओह नहीं गया, शाबाश रे मेरा जिप्पो। देख जिप्पो, हम दोनों को सारे गांव की रक्षा करनी है। हैं? ए कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? अंधा हूँ बाबा, पेट खाने को मांगता है। पेट खाने को मांगता है, इस फाटक में कोई नहीं जा सकता, समझे? चारों तरफ जासूस घूम रहे हैं, चलो निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। क्या बात है भोला? देखो ना, ये अंदर जाना चाहता है, जैसे मैं इस बच्चों को जाने दूंगा। चल निकल यहाँ से। जाते क्यों नहीं है? भूखा हूँ बाबा। भूखे हो तो शुक्रवार की रात को आना, तब सारा गांव उत्सव मनाने पहाड़ी वाले मंदिर पे जा रहा है, तुम्हें जो चाहिए सो वहाँ मिल जाएगा, समझे? समझ गया बाबा, समझ गया, भगवान तुम्हारा भला करे। बहुत देर के बाद समझा यार। क्या कहा?
इसी शुक्रवार को? जी हुजूर, इसी शुक्रवार को सारा गांव किले के बाहर पहाड़ी वाले मंदिर में उत्सव मनाएगा। देवता की कसम, इस दिन का हमने बहुत इंतजार किया है। तुम जा सकते हो, आखिर भानों को पता चल जाएगा कि जंगोरा से टक्कर लेने का क्या अंजाम होता है। माथन, तुम जानते हो क्या तुम्हें क्या करना है? जानता हूं जंगोरा। Bye.
का फायदा उठाना चाहता है, मगर वो नहीं जानता कि हम बिठ जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। हम उसका मुकाबला करेंगे। जाओ मंगल, सबको इकट्ठा करो। दुश्मन ने अचानक ही धावा बोल दिया है, लेकिन हम लोग उसे पीठ नहीं दिखाएंगे, उसका मुकाबला करेंगे। बच्चे, औरतें और बूढ़े सब मंदिर में ही रहें, बाकी सब लोग बाहर आ जाएं। क्या कहती हो दुर्गा, मैं दुश्मन से लड़ूंगा या तुम्हारी रक्षा करूंगा? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भानु, मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी। तुम्हारी ढाल बनकर तुम पर होने वाले हर वार को मैं रोकूंगी। मुझे अपने साथ ले चलो भानु। ये कैसे हो सकता है? तुम जाकर बिंदु का ख्याल रखो। बिंदु का ख्याल देवी माँ रखेगी। भानु, आज तुम मेरी बात ना टालो। मेरे मन में कोई कह रहा है कि वो जालिम सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, उनकी नजरें सिर्फ तुम पर है। भानु, आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें दुर्गा? जिसने एक दिन भानु को ब्याह की बेटी से तिलक लगाकर लड़ाई में भेज दिया, क्या वही दुर्गा आज ऐसी बातें कर रही है? हाँ मंगल, ये वही दुर्गा है, पर आज कुछ और बात है। आज मेरी आत्मा कह रही है कुछ होने वाला है। मैं इन्हें जाने से तो नहीं रोक रही, मैं तो सिर्फ तुम लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। तुम ही बताओ मंगल, अगर मेरे भानु को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? जब तक मंगल जिंदा है भानु को कुछ नहीं होगा दुर्गा। चलो भानु। भानु, कमजोर मत बनो, हिम्मत करो। वो देखो, क्या मतलब? दुश्मन खुले बंदो हमला नहीं करना चाहता, कोई खतरनाक चाल चल रहा है, हमें दो तरफ से घेरना चाहता है। हमें भी वो दोनों जगह पाएगा भानु। अलग होने का वक्त आ गया। जय भवानी। जय भवानी। मंगल, क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। दुर्गा यूं ही नहीं डरती, कहीं ये हमारी आखिरी लड़ाई ना हो। तो क्या हुआ, मर ही तो जाएंगे। मैं मरने से नहीं डरता मंगल, लेकिन जुदा होने से पहले तुमसे एक वचन मांगता हूं। देखो मंगल, अगर हम दोनों लड़ाई में काम आए तो भवानी माँ सबकी रक्षा करने वाली है, लेकिन अगर मैं लौट के ना सका तो मैं दुर्गा और बिंदु का बोझ तुम पर छोड़े जाता हूं। तुम्हें कुछ नहीं होगा भानु। तुम दोस्त हो मंगल, वचन दो कि मेरे बाद तुम इस दोस्ती को निभाओगे।
वचन दो मंगल। मैं वचन देता हूं भानु। दुश्मन को हमारा पता चल जाएगा मंगल। हाँ ठीक है ठीक है। वो मशाल बुझ गई। भानु इधर से आ रहा। सिपाहियों से कहो अपनी मशालें बुझाकर आगे बढ़े। यहां कोई मशाल दिखाई नहीं देती। वो लोग कहां गए? सालार भानु प्रताप, उम्मीद है कि आप मुझे इस गुस्ताखी के लिए माफ करेंगे। मुझे यह उम्मीद ना थी मार्तंड कि जंगूरा के जूठे टुकड़ों पर पलने वाला गुलाम इस कदर तमीज से बात कर सकता है। खामोश! इस बदतमीज को जंजीरों में चकड़ कर यहां से घसीटते हुए ले चलो। उसके भाग जाने में जरूर कोई चाल है। कहीं भानु तो खतरे में नहीं है। वापस चलो। दुश्मन भाग रहे हैं। हमारी जीत हो गई। हमारी जीत हो गई। हाँ हम जीत गए। दुर्गा दुर्गा हम जीत गए। हमारी जीत हो गई। सच्ची बापू? हाँ बेटी। तो फिर भानु आता होगा। अबिंदु अबिंदु अब देखिए। तुम लोगों ने उन्हें भगा दिया। हम जीत गए। हम जीत गए मंगल। भानु कहाँ है? भानु नहीं दिखाई देता। अरे तुम लोग चुप क्यों हो? मंगल मंगल क्या बात है? तुम भानु को साथ लेके गए थे ना? अब अकेले क्यों आए हो? भानु कहाँ है? जवाब भी नहीं देते। कहीं तुम उन्हें अकेले दुश्मनों में तो नहीं छोड़ा है मंगल? हमारे साथ कोई धोखा हुआ है दुर्गा। धोखा तुम्हारे साथ नहीं हुआ। धोखा मेरे साथ हो रहा है। तुम सब जानते हो भानु कहाँ। मेरे भानु को जरूर कुछ हो गया है। मैं अपने भानु के पास जाऊंगी। मैं अपने भानु के पास जाऊंगी। भानु जरूर किसी खतरे में है। चलो उसका पता लगाएं। भानु! भानु! दुर्गा का इस तरह जंगल में जाना ठीक नहीं है माधव। तुम लोग उस तरफ जाके भानु का खोज लगाओ। मैं दुर्गा को देख के आता हूं। भानु! दुर्गा! भानु! दुर्गा! भानु! दुर्गा! भानु! रुक जाओ दुर्गा। ये क्या पागलपन है दुर्गा? मेरा पीछा मत करो।
हट जाओ मेरे रास्ते से। समय न गवाओ, वापस चली जाओ। मैं भानु को ढूंढ कर लाऊंगा। तुम उन्हें ढूंढ कर लाओगे? अगर तुम्हें उनकी इतनी चिंता थी तो जिन मजबूत हाथों से तुम उन्हें मुझसे छीन कर ले गए थे, उन हाथों से उनकी रक्षा क्यों नहीं कर सके? अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा मंगल। अब मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। मेरी बात चाहे ना सुनो, लेकिन जिस भानु के लिए तड़प रही हो उसी भानु की जगह मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि बच्चे को लेकर इस जंगल से वापस चले जाओ। भानु की जगह तुम हुक्म दोगे? जब तक भानु नहीं आएगा मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी। जुदा होते वक्त भानु ने यही मुझसे कहा था। जुदा होते वक्त क्या कहा था? क्या कहा था मेरे भानु ने? उसने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो दुर्गा और बिंदु को मैं तुम्हें सौंपता हूँ, मेरे बाद तुम दोस्ती निभाना। अब तुम हमारी रक्षा करोगे? हाँ दुर्गा। और तुमने उन्हें वचन दिया है? हाँ। धोखेबाज मक्कार, अब मैं तुम्हारी सारी चाल समझ गई हूँ। अब मुझे पता चला कि तुम भानु को दुश्मनों में अकेला क्यों छोड़ा है। होश की बात करो दुर्गा। आज ही तो होश में आई हूँ मंगल। पहले दिन से तुम भानु की जान के पीछे पड़े थे, वो हमेशा तुम्हारी आंखों में कांटे की तरह चुपता रहा। उस दिन मेरी आंखों के सामने तुम उसे कुल्हाड़े से मारना चाहते थे और आज तुम उसे मुझसे छीन कर दुश्मनों के हवाले कर आए हो। दुर्गा चुप रहो, ये नाम अपनी गंदी जबान पर फिर कभी ना लाना। अपने पुराने सुपे सालार को दरबार में हाजिर देखकर जंगूरा बहुत खुश हुआ। मालूम होता है गांव में रहकर सारे शही आदाब भूल गए हो, अपने बादशाह को सलाम तक नहीं करते। सलाम उन बादशाहों को किया जाता है जो दिलों पर हुकूमत करते हैं, मक्कारों का सलाम नहीं किया जाता। देवता की कसम, बड़ी बातें बनानी सीख गए। उन जंगली गंवारों ने क्या क्या सिखा दिया है तुम्हें? जुल्म के खिलाफ बगावत करना सिखा दिया है मुझे। बगावत, बगावत का अंजाम तुम्हारे सामने। ये अंजाम नहीं, आगाज है जंगूरा। याद रखो कि धरती के सीने में उबलते हुए लावे की तरह ये बगावत सारी जनता के दिलों में खौल रही है और एक दिन ये ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगी। उस दिन तुम बगावत का अंजाम देखोगे। सुनो जंगूरा, ये वक्त की आवाज है। खामोश। जब तक जंगूरा की तलवार में ताकत है वो किसी से नहीं डरता। तलवार की ताकत का जिक्र मत करो जंगूरा, अपनी मक्कारी की बात करो। अगर तुम्हारी तलवार में आग होती तो चोरों की तरह धोखे से मुझे गिरफ्तार नहीं करते। अगर मर्द हो तो मैं भी तुम्हें ललकारता हूँ। आओ, आज इसी दरबार में तलवारों से फैसला हो जाए। शेर चूहों से नहीं लड़ा करते। जंगूरा चुप रहो। हम अभी तक ये सोच रहे थे कि तुम हमारी ताकत का लोहा मानकर हमसे माफी मांग लोगे, लेकिन तुमने हमारे कहर को ललकारा है। जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? मौत, इससे ज्यादा तुम क्या कर सकते हो? लेकिन जो जिंदगी की इज्जत करते हैं वह मौत से नहीं डरते। ले जाओ इसे और कल सूरज की पहली किरण के साथ इसका सर कलम कर दो। क्यों, अब भी अफसोस होता है या नहीं? होता है, सिर्फ एक ही बात का अफसोस होता है कि मरने से पहले तुम जैसे जालिम के बोझ से इस दुनिया को हल्का न कर सका। जलील, ले जाओ। संगुरा, एक बहादुर से बहादुरों का सा सलूक करो, कमी नहीं मत बनो। बेवकूफ औरत, जबान को संभालो, कहीं तुम्हें भी सजा न दी जाए। मेरी सजा इससे बढ़कर क्या होगी कि मुझे एक ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ रहा है जिससे मैं नफरत करती हूँ। चंदा मेरी चिड़िया, जब तुम वन पंछी की तरह फड़फड़ाती हो तो देवता की कसम बड़ी हसीन मालूम होती हो। मुझे हाथ मत लगाओ,
ये हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। मैंने तुम जैसे कमीने को बहादुर समझकर कभी तुमसे प्यार किया था, उसके लिए मुझे आज अपने आप से नफरत होने लगी। अब तक तुमने औरत का प्यार देखा है जंगूरा, अब तुम औरत की नफरत भी देखोगे। कभी लक्ष्मण कभी राम, वावार तेरी शान, वावार तेरी शान, आधी सुपारी और आधा पान। खाता क्या है मेरा जमुरा? भांग, हफीम, धतूरा। ओ वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह, अरे आशक है तू पूरा। आशक अगर है प्यारे कौड़ी न रख कफन को, आशक अगर है प्यारे कौड़ी न रख कफन को, कौड़ी न रख कफन को, कौड़ी न रख कफन को। दिल की खुशी की खातिर देखूं कमाल धन को, अरे आशिक अगर है प्यारे कौड़ी न रख कफन को। एक आए एक जाए, एक आए एक जाए, आशिक अगर है प्यारे कौड़ी न रख कफन को, आशिक अगर है प्यारे कौड़ी न रख कफन को। इधर से दो मदारी तो नहीं गए? अरे दो मदारी नहीं गए, अरे दो मदारी, दो मदारी आपका चुलो चले ना मुझे लेना जी क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है? जिप्पो जिप्पो इधर आ, इधर ले ये जिप्पो, ये ले चमेली को जाकर देना, और सुन चमेली जो कुछ तुझे देना उसको जल्दी लेकर आना, जा जल्दी भाग देखो। अरे भोला, उसको चमेली के यहाँ का रास्ता रास्ता भी मालूम है कि नहीं? अरे मेरे जिप्पो को पूरा रास्ता मालूम है, घबरा मत, सब काम करके आ जाएगा।
कितना गर्म हो गया देख। भानू करता है, हमारा मुकाबला करता है, हम कहते सुबह होने के साथ इसका सर कलम कर दो। लोग इस वक्त बहुत खतरे में हैं, किसी तरह एक फौजी अफसर के कपड़े जिप्पो के हाथ फौरन भिजवा दो। अच्छा जिप्पो तुम यहीं बैठ, मैं अभी आती हूँ। अरे भूला, कहीं पकड़ा तो नहीं गया वो? नहीं यार, महल के रास्ते जरा आड़े टेढ़े हैं, फंसाएगा तो नहीं? जिप्पो बहुत होशियार है, अपना काम करके ही रहेगा। अरे चमेली, क्या हुआ, रोती हुई कहाँ जा रही है? चाहे मैं कहीं जाऊं तुम्हारी बला से। मगर हुआ क्या? मुझे नींद नहीं आती। क्यों? इतने बड़े कमरे में एक अकेली लड़की और अंधेरी रात, क्या डर नहीं लगेगा? मगर यहाँ मेरी खबर लेने वाला कोई भी नहीं, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। चमेली चमेली, बात तो सुन। ऐसी नैनों
हवा के लागे कटार जिया करे पुसर पुसर हाँ करे पुसर पुसर ऐसी नैनवा के लागे कटार जिया करे पुसर पुसर हाँ करे पुसर पुसर जताओ ना इतना प्यार के मन मोरा सुरर सुरर हाँ कर सुरर सुरर ऐसी नैनवा की लागी कटार जिया करे पुसर पुसर हाँ करे पुसर पुसर जल्दी जाना समझे शाबाश मेरे शेर के बच्चे ले सिपो तूने तो कमाल कर दिया यार देना हुजूर कल सुबह कैदी को कत्ल करने की तैयारी हो चुकी हाँ ठीक है ठीक है आप चल के मुआयना करेंगे अभी नहीं खोलो दरवाजा रुक जाओ हुजूर आप शायद तलवार लाना भूल गए हैं कैदी खतरनाक है ये ले जाइए जानते हो यहाँ कितना खतरा है मैं इसी खतरे से तुम्हें बचाने आया हूँ भानु जल्दी से ये कपड़े बदल लो बाहर भूला घोड़ा लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम मेरी चिंता न करो नहीं मंगल तुम्हें इस तरह अपनी जगह छोड़कर खुद चला जाऊं इससे तो मौत हजार दर्जे बेहतर है तुम चले जाओ मंगल मैं शांति से मरने के लिए तैयार हूँ दुर्गा तुम्हारी जुदाई में पागल होकर जंगल जंगल भटकती रहे और बिंदु बिलकता तड़कता रहे तो क्या स्वर्ग में भी तुम शांति पा सकोगे भानु जब तक मंगल उनकी रक्षा के लिए मौजूद है मुझे उनकी कोई चिंता नहीं और मंगल मुझे वचन दे चुका है उसी वचन को तो निभाने यहाँ आया हूँ भानु अगर तुम नहीं जाओगे तो दुर्गा घुल घुल के मर जाएगी मैं तुम्हें दुर्गा और बिंदु की कसम देता हूँ भानु यहाँ से चले जाओ नहीं नहीं मंगल मैं तुम्हें अपनी जगह नहीं मरने दूंगा अगर तुम्हारे बाजुओं में ताकत है तो मैं नहीं मरूंगा भानु कैसे तुम बाहर जाकर अपने आदमियों को इकट्ठा करो और फिर इस किले पर हमला कर दो तब तक मैं जंगूरा को ऐसी बातों में उलझाए रखूंगा भानु कि वो मुझे नहीं मार सकेगा इस तरह तुम दुर्गा को बचा सकते हो अपने आप को बचा सकते हो भानु
और मुझे भी बचा सकते हो। सोचने का समय नहीं है भानु, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। मंगल, मैं ठीक कहता हूं भानु, मैं ठीक कहता हूं। पहाड़ की घाटियों में अब भी दुर्गा की पुकार गूंज रही होगी। जाओ भानु, वो तुम्हें बुला रही है। मंगल, मैं कसम खाता हूं कि सुबह होने से पहले इस किले पर हमला कर दूंगा। कोई आ रहा है भानु, जल्दी करो। कौन है तुम? चुप रहो, खबरदार जो आवाज निकाली, चाहो तो सीने के पार कर दो, लेकिन जब तक भानु खतरे से बाहर न निकल जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं दुश्मन नहीं हूं, दुश्मन नहीं हूं। सच बताओ, तुम मंगल हो ना? हाँ, तुमने कैसे जाना? एक दोस्त के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी और इस बेगर्जी से करने वाला सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, और वो है मंगल। तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारी तरह जंगूरा की दुश्मन हूँ, इसीलिए भानु को आजाद कराने आई थी। वो काम तो तुमने कर दिया, लेकिन इससे भी बड़ा काम अभी बाकी है, वो नहीं करोगे क्या? कौन सा काम? भानु को आजाद कर चुकी, क्या अब दुखी प्रजा को भी जंगूरा की जुल्म से आजाद नहीं करोगी? जरूर करूंगा। तो यही मौका है, आज एक ही वार में तुम जुल्म की बुनियाद को मिटा सकते हो। लेकिन किस तरह? मेरे साथ आओ। कमरे में वो जालिम हत्यारा सो रहा है। आज सारी दुखी जनता की आजादी तुम्हारे हाथ में है मंगल, इसे संभालो और जाओ। जंगूरा, कौन हो तुम? यहां कैसे आए? तुम्हारी मौत मुझे यहां ले आई। तुम हमें मारना चाहते हो? धोखे से? धोखे से मारना चाहता तो सोते में चूंटी की तरह मसल देता तुम्हें, लेकिन मर्द सोते हुए शत्रु पर हाथ नहीं उठाते। उठो, अपनी तलवार संभालो। सिपाही, सिपाही! किसी को बुलाया तो सीने में गाड़ दूंगा। वही जंगूरा हो ना जो पाई पाई के लिए निर्दोष प्रजा का खून बहाता रहा है? बताओ, मत सोने चांदी के ढेर इस वक्त तुम्हें मौत से बचा सकते हैं? मूर्ख, जीने के लिए आदमी को दो रोटी की जरूरत होती है, और वो रोटी तुम सोने चांदी की नहीं खाते, उसी आटे की खाते हो जिसकी हम खाते हैं, तो फिर इतना पाप किस लिए कमाते हो तुम? मगर तुम हो कौन? मंगल। मंगल? वही मंगल जो भानु प्रताप के साथ? हाँ हाँ, वही मंगल। ओ, तुम्हें देखने की तमन्ना बहुत दिनों से थी मंगल, लोग तुम्हारी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मैं अपनी बड़ाई सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, तुम्हारे पापों का अंत करने आया।
उठाओ तलवार। तो आज तुम हमारी तलवार का मुकाबला करोगे और इस नन्हे से खंजर के साथ। तुम्हारे लिए ये काफी होगा। नहीं मंगल, जंगोरा अपने दुश्मन को बराबर का मौका दिए बगैर कभी नहीं लड़ता। अगर तुम्हें हमसे लड़ना ही है तो वो देखो, सामने दो तलवारें लटक रही, उनमें से जो पसंद हो वो तुम रख लो और दूसरी हमें ला दो और फिर मैदान में आ जाओ। आज तुम्हारी बहादुरी भी देख ले। बहादुरी आज तुम जरूर देखोगे। ये तो भानु का बच्चा है। भानु का यहां कैसे आ गया? हमारी किस्मत से, चलो इसे ले चले, जंगूरा इनाम देगा। बिंदु कहां है, कैसा है वो? बिंदु नहीं है। बिंदु नहीं है? ठीक याद है कि उसे यहीं छोड़ा? हाँ, ये देखो, मैंने बिंदु को यहीं छोड़ा था। बिंदु कहाँ है? बिंदु, मेरी बिंदु! ये खंजर तुमने मंगल को दिया था? हाँ। काली नागन, तेरी ये हिम्मत जिसने तुझे हाथ से उठाकर तख्त पर बिठाया, तूने उसी को डसने की कोशिश की? तूने हमें धोखे से मारना चाहा? नहीं, मैं तो ये चाहती थी कि तुम आराम से सोते सोते मरो, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं था जंगूरा कि तुम जैसा पापी आराम से मर सके। जलील औरत, तुझे हमारी मेहरबानियां रास ना आई, अब हमारा कहर भी देखोगी। ले जाओ इसे और शेरों के पिंडे में फेंक दो। शुक्रिया, तुम्हारे साथ रहने की सजा इससे भी सख्त होनी चाहिए थी, लेकिन ये मत समझो जंगूरा कि मेरी जिंदगी खत्म करने की खुशी तुम्हें हासिल होगी। ये नेक काम मैं अपने हाथों से कर लूंगी। और तुम, भानु प्रताप की मौत हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना थी और तुमने हमसे वो खुशी छीन ली। जानते हो उसकी सजा कितनी खौफनाक होगी? जो बन पड़े सो कर लो जंगूरा, मैं जिस काम के लिए आया था वो हो चुका। जिंदाबाद जंगूरा। हम आपके लिए एक तोहफा लाए। क्या है ये? ये भानु प्रताप का बच्चा है। भानु प्रताप का बच्चा? देवता की कसम, एक ही चाल में तुम्हारी बाबी मात हो गई मंगल। अब तुम्हारा भानु प्रताप कुठनों के बल चलकर इस बच्चे की भीख मांगने हमसे आएगा, वरना बेटा बाप की कीमत अदा करेगा। तुम इस मासूम बच्चे पर हाथ नहीं उठाओगे जंगूरा? क्यों नहीं उठाएंगे? अगर अब भी भानु प्रताप अपने आप को हमारे हवाले नहीं करेगा तो हम इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हुजूर, किले पर हमला हो गया। हमला किसने किया? भानु प्रताप और उसके आदमी बड़े दरवाजे तक आ पहुंचे हैं। भानु प्रताप आ गया? अच्छा हुआ। लाओ इस शैतान के बच्चे को लेकर आओ, हम उसकी आंखों के सामने इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस कैदी को ले जाओ। हुजूर,
प्रताप इस किले की संगीन दीवारों से टकराकर कई दुश्मन पनाह हो चुके हैं। ये बच्चों का खेल नहीं, जंगूरा का किला है। इस किले की ईंटें गरीबों के खून से चुनी गई है। इसके एक एक पत्थर पर तुम्हारे जुल्मों की कहानियां लिखी हैं। और आज वो वक्त आ गया है जंगूरा कि पाप के इस गढ़ की ईंट से ईंट बजा दी जाए। चलो पड़ने वाली एक एक चोट की कीमत तुम्हारे खून से वसूल की जाएगी। वाकई आज खून की हर उस बूंद का हिसाब तुमसे लिया जाएगा जो तुमने बेगुनाहों का बहाया है। भानो प्रताप, अगर खून पहचानते हो तो इसको पहचानो, ये तुम्हारा अपना खून। अब हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि हमला बंद करके अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना याद रखो कि यह दरवाजा टूटने से पहले इसका दम टूट जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। दुखी जनता को तुम्हारे जुल्मों से आजाद कराने के लिए मैं एक नहीं एक हजार बेटे कुर्बान कर सकता हूं। तोड़ दो, जल्दी अच्छा।
बिंदु ला दो, मुझे मेरा बिंदु ला दो। दुर्गा दुर्गा नहीं मंगल नहीं, जंगूरा को जीतने के लिए हम इतनी बड़ी कीमत नहीं दे सकते मंगल, जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों की खुशी के लिए मर जाए, हम ऐसा मंगल कहां से लाएंगे? भानु आज रोने का दिन नहीं है भानु, ये तो हमारी जीत का दिन है, ये जी सुनते हैं कोई मौत का मेहमान हुआ है, परवाना कोई शम पे कुर्बान हुआ है, ये कौन था जो मिट गया इंसान की खातिर, इंसान था इंसान से भगवान हुआ